नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रोफेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर अभी तक आपने RRC ग्रुप डी वैकेंसीज़ में अप्लाई नहीं किया है तो हम यहां पर बात करेंगे कि आपको किस जोन में अप्लाई करना चाहिए और किस जोन की कट ऑफ सबसे कम गई है। प्रीवियस जो कट ऑफ्स देखी जाए अगर उनके अकॉर्डिंग अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और यहां पर हम जानेंगे कि किस जोन की कितनी कट ऑफ गई हुई है प्रीवियस RRC ग्रुप डी की। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग पूरी चर्चा करते हैं इससे संबंधित और हम ये भी जानेंगे कि आपको कहाँ पर यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर कि किस जोन की कितनी कट ऑफ गई हुई है। जो पिछली कट ऑफ गई थी वो किस जोन की कितनी कट ऑफ गई थी PT यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं आपको लोगों को कट ऑफ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये अहमदाबाद है, अहमदाबाद की दोस्तों जो कट ऑफ है ये अनरिजर्व कट ऑफ आप देख सकते हैं कितनी गई हुई है 71.86468 और OBC की कटाव जो गई हुई थी 66.77577560 और 57.85। ये आप कटाव यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी कटाव यहाँ पर मैंने दी हुई हैं आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अलाहाबाद की, तो अलाहाबाद की जो कटाव है ये जो प्रीवियस कटाव गई हुई थी ये गई हुई थी 74.57579 और आपकी जो ये OBC की है ये 69.78740 है। 62 आपकी 62.92 SC की है और ST की है 50.12। आप ये सारी कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर की दोस्तों थोड़ा सा अलाहाबाद से स्लाइटली कम गई हुई थी, अलाहाबाद की 74 point something है और यहाँ पर देखिए 73.90 है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर अलाहाबाद की जगह गोरखपुर डालने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा माइन्यूट सा डिफरेंस रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज इसमें नहीं आते हैं। ऐसे ही जब RRB NTPC का एग्ज़ाम 2015 में जो हुआ था उसकी भी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, कुछ पॉइंट्स में ही डिफरेंस था। तो यहाँ पर इन दोनों की कट ऑफ में कुछ अंतर ज़्यादा नहीं देखने को मिला अभी तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी कट ऑफ्स हैं। और नेक्स्ट आप भोपाल की यहाँ पर देख सकते हैं क्या कट ऑफ गई है। भोपाल की 75 है यहाँ पर, 70 और 63 और 58 ये सारी कट ऑफ। बाकी आप एक सर्विस मैन और बाकी जो कैटेगरी दी हैं सबकी कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पर चेन्नई की कट ऑफ देखिए 71.53120 ये कट ऑफ गई हुई है। और नेक्स्ट है आपका बेंगलुरु, बेंगलुरु की कट ऑफ सबसे कम यहाँ पर गई हुई थी 62.01964 तो ये आपकी कट ऑफ है बेंगलुरु की। और नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर जो कट ऑफ बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर गई हुई थी मुंबई की 67.9663 और 58, 52 ये सारी कट ऑफ्स हैं मुंबई की ग्रुप डी की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिकंदराबाद, इसकी जो कट ऑफ है 69.79887 है और 65 है, 59 है और 56 point something है ये सारी कट ऑफ यहाँ पर दी हैं आप देख सकते हैं। रांची की जो कट ऑफ है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रांची की कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा हाई है, ये UP से भी ज़्यादा कट ऑफ है 76.30 है। UP की 74 point अलाहाबाद से भी ज़्यादा है, अलाहाबाद की 74 point something थी। और नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर है छत्तीसगढ़, इसकी भी कट ऑफ अच्छी खासी गई हुई है 75.07 है और बाकी सारी कैटेगरी आप यहाँ पर दी हैं देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर और हम बात करते हैं गुवाहाटी, देखिए काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ है 77.09933 72 67 point और 57.07 इस तरह से यहाँ पर कट ऑफ गई हुई है। अगली हम यहाँ पर देखते हैं भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर की कट ऑफ 73.86689 ये सारी आपकी भुवनेश्वर की कट ऑफ है और बाकी आप कैटेगरीज वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। अगली दोस्तों यहाँ पर देखते हैं अजमेर, अजमेर की कट ऑफ जो गई हुई है 73.73073 ये आपकी यहाँ पर कट ऑफ गई हुई है आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए पटना की कट ऑफ भी अलाहाबाद से ज़्यादा है 77.00350 है, तो यहाँ पर पटना की भी कट ऑफ इससे ज़्यादा ही है। और अगला देखते हैं, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है आपका कोलकाता, देखिए कोलकाता की कट ऑफ सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखी गई है 80.57 अभी तक जितनी मैंने देखी यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा किसकी है कोलकाता की यहाँ पर कट ऑफ है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करेंगे अगर हम कट ऑफ वाइज देखते हैं और प्रीवियस कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको किन किन जोन से अप्लाई करना चाहिए, किन किन जोन की कट ऑफ सबसे कम गई हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो कट ऑफ सबसे कम कट ऑफ गई हुई है तो वो कट ऑफ यहाँ पर किसकी गई हुई, मैंने आपको बताया था 62 point something कट ऑफ गई हुई थी किसकी, बेंगलुरु की। तो यानी कि अगर आप कट ऑफ वाइज कम कट ऑफ वाइज डालना चाहते हैं, इसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं और प्रीवियस जो कट ऑफ गई है अभी जल्द ही जो इसका रिजल्ट आया है तो उसके हिसाब से डालना चाहते हैं, तो सबसे पहली प्रेफरेंस आपकी बेंगलुरु होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 62 point something कट ऑफ है,
62.01 जो कि सबसे कम कट ऑफ, सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई है। उसके बाद अगर दोस्तों अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो आप मुंबई को कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड पर यहाँ पर मुंबई की कट ऑफ गई हुई है 67.96, ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखी हुई है सारी कट ऑफ्स, तो सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर मुंबई आ जाता है। नेक्स्ट आप अगर जोन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिकंदराबाद को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये थर्ड कट ऑफ के मामले में थर्ड नंबर पर यहाँ पर आ जाता है, 69.79 यहाँ पर कट ऑफ गई हुई है। तो थर्ड जो आप चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको चूज़ कर सकते हैं। अगली दोस्तों अगर आप फोर्थ पोजीशन पर चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए आप अहमदाबाद को चूज़ कर सकते हैं, इसकी कट ऑफ 71.86 गई हुई है, तो यहाँ पर इसको आप फोर्थ पोजीशन पर चूज़ कर सकते हैं अगर कट ऑफ वाइज यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों मेरा यही मानना है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है कट ऑफ में, हालांकि अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं 62 पॉइंट समथिंग, तो ये काफ़ी कम कट ऑफ है अदर कट ऑफ की अपेक्षा। तो अगर ऐसा जाता है वो प्रीवियस कट ऑफ है, और अगर आप चूज़ करना चाह सकते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इलाहाबाद या गोरखपुर में कोई चूज़ करना चाहते हैं तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि गोरखपुर से करें या इलाहाबाद से करें, तो अगर आप यूपी में ही अप्लाई करना चाहते हैं तो गोरखपुर या इलाहाबाद किसी में से भी करेंगे, दोनों की कट ऑफ लगभग सेम रहती है, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस रहता है। और ऐसा इस बार भी होने को होगा, क्योंकि लगभग आरआरबी जो एनटीपीसी 2015 का हुआ था उसमें भी बहुत डिफरेंस देखने को नहीं मिला, अभी आपने देखा जो ग्रुप डी का रिजल्ट आया उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी की, तो इस बार यूपी में भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आरआरबी एनटीपीसी में, अगर आप जाएं 4099 वैकेंसी हैं उसमें, इसमें मुझे कंफर्म नहीं है, तो आप इसको जो है चूज़ कर सकते हैं। तो यही वीडियो बनाने का मेरा मकसद था, और दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें, हमारे साथ भी जुड़े थे, यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो आपके आरआरबी एनटीपीसी की अगर आप प्रिपरेशन करें तो उसके जो प्रीवियस पेपर हुए थे 2015 के, उसके उसमें जितने भी सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोग को एक आइडिया लग सके और आप लोग अपने आप को जज कर सकें कि आप लोग किस लेवल पर हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।